Today we are going to start with the PHP. अब देखो जब मैं PHP की बात करता हूँ तो सबसे पहले भाई हमें ये समझना होगा कि ये PHP का मतलब क्या है। PHP का मतलब होता है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। आप लोग अपने अपने वॉल्यूम्स को ना म्यूट कर दें क्योंकि पीछे से आवाज आ रही है। यहां पे PHP का मतलब होता है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। ओके, सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द PHP। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली द फुल फॉर्म ऑफ PHP इज प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। जब ये बना था ना शुरुआत में, तो शुरुआत में इसका फुल फॉर्म होता था PHP, इसका फुल फॉर्म होता था पर्सनल होम पेज। इसका फुल फॉर्म होता था पर्सनल होम पेज, बट अब हम इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। ओके, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है PHP, इसका मतलब क्या है, इसमें हम करते क्या है, इसका फायदा क्या है। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा, मैं अक्सर ये सवाल बच्चों से पूछता हूँ। भाई हम लोग PHP का यूज होता है वेबसाइट बनाने में, मतलब यदि मुझे कोई वेबसाइट बनानी हो तो मैं PHP यूज करूंगा। अब ये तो बड़ा छोटा सा चीज़ है भाई, वेबसाइट बनाना हो तो आप PHP यूज करोगे। अब तुम बोल सकते हो ना मुझे कि सर मतलब वेबसाइट बनाने के लिए तो हम HTML भी यूज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लोगों से सवाल करता हूँ कि भाई HTML और फिर PHP में अंतर क्या है। भाई PHP में भी आप बोल रहे हो कि आप वेबसाइट बनाओगे, HTML के अंदर हम ऑलरेडी वेबसाइट बनाते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा इस PHP की जरूरत क्या है, कहाँ पे हम उसे यूज करते हैं। ध्यान से देखो, कभी भी जब मैं वेबसाइट बनाता हूँ या मैं वेब प्रोग्रामिंग करता हूँ, वेब प्रोग्रामिंग करने का मतलब यह है कि आप वेबसाइट बना रहे हो, तो जब कभी भी मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो किसी वेब डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, एक होता है हमारा क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और एक होता हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, कभी भी आप सोचते हो भाई इन फ्यूचर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो आपको यूज करना होगा क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और दूसरा आपको यूज करना होगा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब देखो अब इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोसेस होगा प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूट ऑन क्लाइंट मशीन। जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्लाइंट के मशीन पे ही रन हो जाएगा। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो, मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो हम लोग जीमेल ओपन करते हैं। अब जीमेल के अंदर जब आप काम करते हो तो जीमेल में तुम्हें क्या डालना पड़ता है, जीमेल में तुम्हें डालना होता है यूजर आईडी डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है। सपोज करो मैंने यूजर आईडी नहीं डाला और मैंने पासवर्ड भी नहीं डाला और मैंने बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो क्या आएगा, मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डाला और मैंने बटन पर क्लिक करा। जैसे ही तुम यहाँ पर बटन पर क्लिक करते हो इमीडिएट आपको एक मैसेज मिल जाएगा, यूजर आईडी नॉट एग्जिस्ट और यूजर आईडी इज ब्लैंक और पासवर्ड नॉट एग्जिस्ट। इमीडिएट आपको एक मैसेज मिल जाता है ना। ये जो मैसेज आपको मिलता है ये कहाँ से मिलता है, ये जो मैसेज मिल रहा है ये जो नेचुरली इसके पीछे कोई ना कोई कोड चल रहा होगा, कोई ना कोई बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही होगी, वही तो चेक कर रहा होगा कि टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है या नहीं है। भाई उसने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू नहीं है, उसने इमीडिएट आपको एक मैसेज दे दिया और उसने क्या मैसेज दे दिया कि यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, इमीडिएट आपको एक मैसेज मिल जाता है। ये जो मैसेज आपको मिल रहा है ना, इस मैसेज के लिए वो कहीं किसी सर्वर वगैरह पे नहीं जा रहा है, वो आपके सिस्टम पे जो आपका ब्राउजर है वहीं पे कुछ प्रोसेस चल रहा है, वहीं पे बैकग्राउंड में कोई काम चल रहा है और इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल रहा है। वो प्रोसेस जो केवल क्लाइंट के मशीन पे चलता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। अब नॉर्मली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में हम लोग वेबसाइट में रखते क्या है, तो नॉर्मली जितने भी हमारे वैलिडेशंस होते हैं उन सारे वैलिडेशंस को हम लोग क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के अंदर रखते हैं। जितने भी हमारे वैलिडेशंस होते हैं उन सारे वैलिडेशंस को हम लोग क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के अंदर रखते हैं। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है द प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूट ऑन द क्लाइंट मशीन, और जो हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशंस है
इन क्लाइंट्स एंड वैलिडेशंस को लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करते हो, आपने यूज़ कर रखी है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट। अरे मान लो मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन ही तो लगाता हूँ। इट्स नॉट ओनली द जावास्क्रिप्ट, वी कैन ऑल्सो गो फॉर द जेस्क्रिप्ट, वी कैन ऑल्सो गो फॉर द वीवीएस स्क्रिप्ट। तो मेरे कहने का मतलब अदर अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं उन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट सम वैलिडेशंस एंड ऑल। और ये जो वैलिडेशंस होते हैं वो हमारे ब्राउजर में ही ओपन हो जाएंगे, वो ब्राउजर में ही पीछे हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो वो प्रोसेस जो क्लाइंट के मशीन्स पे चलता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। चलिए भाई, ये तो हमने बात कर ली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, अब ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? अभी तक हम इस बात को नहीं जानते हैं कि ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। देखो, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोसेस होगा प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूट ऑन सर्वर, वो सर्वर के ऊपर। और सर्वर की जब मैं बात करता हूं तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर वो जगह होती है, वो लोकेशन होता है जहां पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट करते हो। जैसे मान लो तुम लिखते हो www.yahoo.com या तुम लिखते हो www.gmail.com। ये gmail.com आ कहां से रहा है, वो जो आपको रिस्पांस मिल रही है वो कहां से मिल रहा है? तो वो हमें वेब सर्वर से मिल रहा है। तो एक होता है हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोसेस होगा, प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर, ये सर्वर के ऊपर ही हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। अब जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर क्या एग्जीक्यूट करवाएंगे वो तो मैंने आपको बता दिया, अब सर्वर के ऊपर क्या एग्जीक्यूट करवाओगे? अब जरा ध्यान से देखो, मैं जीमेल का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज करो जीमेल के अंदर आप आते हो और जीमेल के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे यूज़र आईडी डाल देते हो, है ना, और आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी डालता हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, ठीक। अब जैसे ही मैंने यूज़र आईडी डाल दिया और जैसे ही मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड और मैंने बटन पे क्लिक कर दिया। सपोज मैंने अपना नाम यूज़र आईडी डाल दिया और मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और मैंने बटन पे क्लिक कर दिया, ये जो आपकी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है ये स्टोर कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्टोर है? तो आपकी जो पूरी डेटा है, यानी कि जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, वो नेटवर्क में ट्रेवल करेगा और वो यूज़र आईडी और पासवर्ड को उठा के ले जाएगा कहाँ पे, वेब सर्वर के ऊपर। और ये जो वेब सर्वर होगा वो वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर से लिंक होगा। भाई अल्टीमेटली आपकी जो डेटा होगी कहीं डेटाबेस पे होगी, तो वो डेटाबेस सर्वर से लिंक होगा। डेटाबेस सर्वर पे उसको चेक करेगा कि भाई मैंने यूज़र आईडी जो डाला और जो मैंने पासवर्ड डाला, क्या दोनों सेम है, वो कुछ इंडिकेशन देगा कि दोनों सेम है या नहीं है। तो डेटाबेस सर्वर वेब सर्वर को बताएगा हाँ भाई दोनों सेम है। तो इसका मतलब वेब सर्वर समझ जाएगा कि आप जो लॉग इन कर रहे हो, आप एक जेन्युइन लोग हो, तो भाई वो आपको क्या करेगा, फर्दर आप जीमेल के अंदर फिर फर्दर आप जाते हो अपने इनबॉक्स में जाते हो। तो ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, ये हमारे नज़रों से दूर हो रहा है, हमारे सिस्टम से दूर हो रहा है, ये मेरे सिस्टम पे नहीं हो रहा है, मेरे इस लोकल पीसी पे नहीं हो रहा है। ये जो प्रोसेस हो रही है कहाँ पे हो रहा है, वो उस दूर बैठे हुए सर्वर के ऊपर हो रहा है जहाँ पे आपने अपने वेबसाइट को होस्ट करा है। और ये वेब सर्वर और ये डेटाबेस सर्वर का मतलब होता है जहाँ पे हम डेटाबेस को रखते हैं, वेब सर्वर का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है जो वेब सर्वर के ऊपर हो रहा है, वो जो प्रोसेस है जो डेटाबेस सर्वर के ऊपर हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब द प्रोसेस दैट विल गेट एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर। तो सर्वर के ऊपर क्या होगा, जब कभी भी तुम्हें डेटाबेस इन्वॉल्व करनी है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, अब डेटाबेस तो तुम लोकल अपने सिस्टम पे नहीं रख सकते ना भाई, मेरे इस सिस्टम पे डेटाबेस नहीं हो सकता है ना, जीमेल का डेटाबेस थोड़ी होगा मेरे सिस्टम पे, जीमेल का डेटाबेस तो जीमेल सर्वर के ऊपर होगा। तो हम क्या करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के ओके कर देते हैं, वहाँ पे फिर वो वेब सर्वर पे जाता है, वहाँ पे उसकी चेकिंग होती है, फिर मुझे रिजल्ट मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब द प्रोसेस दैट विल गेट एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर इज नोन एज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है किसी भी वेबसाइट में हम जो सर्वर पे रखते हैं, जितने भी देखो मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे डेटाबेस वाले पोर्शन हैं, जो डेटाबेस का कनेक्टिविटी है, जितने भी हमारे डेटाबेस वाले पोर्शन हैं, वो सारे डेटाबेस वाले पोर्शंस को उठा के हम कहाँ पे रखते हैं, उसको हम उठा के सर्वर के ऊपर रखते हैं। तो जो हमारा डेटाबेस वाला पोर्शन है वो हमारा सर्वर के ऊपर चला जाता है। तो सर्वर पे जाता है डेटाबेस वाला पोर्शन, इसका मतलब
तो मोटे तौर पे यदि मैं बोलूं कि मुझे अपने वेबसाइट के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, मुझे अपने वेबसाइट के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, अब यदि मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कुछ ना कुछ हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता हो। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता कौन है? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं PHP या फिर हम लोग यूज करते हैं JSP, जावा सर्वर पेज। जावा वालों ने हमें क्या लेके दिया? JSP। ये हमारा यहाँ पे क्या है? PHP। इसके अलावा हमारे पास क्या है? ASP या फिर हमारे पास क्या है? ASP.NET, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो मेरे कहने का मतलब, चाहे वो PHP हो, चाहे JSP हो, चाहे ASP हो, चाहे ASP.NET हो, इन सब का एक ही काम है। क्या है? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई PHP, हाँ बताओ सर, ASP और ASP.NET में क्या अंतर है? ASP अलग होता है, ASP.NET अलग होता है, जो पहले हुआ करता था जब हम, जब तुम्हारे तरह स्टूडेंट थे, जब हम पढ़ते थे तो हम ASP पे काम करते थे। आज जो है ASP.NET है, ये .NET कंपैटिबल है, बिल्कुल अलग है। मतलब ASP अलग है, ASP.NET अलग है, ठीक है। तो सर ASP भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है? ASP भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ASP.NET भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई हम लोग जब बात करते हैं कि तो ये PHP हमारा है क्या, तो यदि मुझसे कोई बोले भाई PHP क्या है, तो मैं PHP को डिफाइन करूंगा, इट्स अ काइंड ऑफ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ये हमारा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी? सर्वर के ऊपर होगी। इसी काम को करने के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा PHP है वो क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। PHP का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है भाई, आपके पास एक वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट बनाया, एक वेब पेज बनाया। तो वेब पेज आपने बनाया, मान लो तुमने HTML के अंदर फॉर्म्स बना लिए। अब फॉर्म्स के ऊपर तुम बटन पे क्लिक करोगे तो जो तुमने फॉर्म्स में डेटा डाला है वो डेटा कहीं ना कहीं सर्वर पे तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं सेव तो होना चाहिए। मान लो मैंने नितिन डाल दिया, मैंने वहाँ पे एड्रेस डाल दिया, मैंने सिटी डाल दिया, अब मैं बार बार थोड़ी नितिन सिटी एड्रेस डालता रहूँगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी पेजेज में मैं डालूँ वो पेज हमारा कहाँ जाना चाहिए? कहीं ना कहीं वो पेज हमारा डेटा जो है स्टोर होना चाहिए। तो जब कभी भी हमें डेटा स्टोर करना है, मतलब क्या? हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी का मतलब क्या? तो हमें किसी न किसी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात जी? तो जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट का मतलब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, किसी भी वेबसाइट में दो चीजें होती हैं। आपसे पूछा जाता है, आप अब इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, अच्छा ठीक है तुमने वेबसाइट बनाई है, तुमने क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए क्या यूज़ करा और तुमने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए क्या यूज़ करा? तो आपको बताना होगा कि भाई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए मैंने PHP यूज़ करा और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए मैंने जावास्क्रिप्ट वगैरह अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज PHP, तो आपसे आप ये नहीं बोलोगे कि PHP एक लैंग्वेज है, आप क्या बोलोगे? PHP इज बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम सर्वर साइड कोडिंग करते हैं। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का यूज क्या होता है भाई? आप सीधा सा सवाल कर सकते हो कि भाई एक बात बताओ, मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो मैं कैसे करूं? क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी का मतलब है कि डेटा जो आएगा वो कहीं और से उठ के आएगा, तो जो प्रोसेस होगी वो कहीं और पे होगा, वेब सर्वर के ऊपर होगा। तो ये काम यदि हमें करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? PHP। समझ में आई बात? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन अभी अधूरा रह गया। मैंने आपसे पूछा था कि भाई मैंने बोला था भाई शुरुआत में कि PHP जो है हमारा वो करते क्या, भाई हम वेबसाइट बनाना हो तो हम PHP यूज कर लेंगे, अच्छी बात है जी। तो हो सकता है भाई आपसे कोई सवाल करे कि अच्छा ये बताओ HTML का यूज करके भी वेबसाइट बनता है, और तुम बोल रहे हो PHP का भी यूज करके हम वेबसाइट ही बनाएंगे, तो दोनों में अंतर क्या है? अब थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर समझना होगा। ये देखो, ये जो हमारी वेबसाइट होती है दो तरह की होती है, जो वेबसाइट होती है वो दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ये जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि आपने कुछ वहाँ पर डाल दिया और दुनिया उसे देख रही है, भाई आपने डाल दिया कोरोना वायरस चल रहा है, संभल के रहो, घर में बैठो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। भाई मोदी जी हैं अपना बैठे हुए, उनको करना क्या है? बस बोल दिया भाई ये का सारे काम करने हैं, अब जनता अपना करेगी जी, उनको तो ऑर्डर पास करना है। तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मोदी जी ने वेबसाइट पर डाल दिया, उस इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं होना, वो तो उन्होंने डाल दिया भाई 15 तारीख 14 तारीख रात में डाल दिया वेबसाइट पे,
अब वो 2-3 तारीख तक वही पड़ा हुआ रहेगा। तो मतलब जहाँ पे केवल हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मान लो तुम किसी क्लाइंट से मिलते हो, क्लाइंट तुम्हें बोलता है कि भाई ये काम करो मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, तो आपका पहला सवाल होगा कि आप किस तरह की वेबसाइट चाहते हो। आप उससे पूछोगे भाई एक बात बताओ, तुम स्टैटिक वेबसाइट चाहते हो या डायनामिक वेबसाइट चाहते हो। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब भाई उसे दिखाना है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। HTML यूज करो, CSS यूज करो, कोई वेबसाइट का टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, उस टेम्पलेट में चेंजेस मार दो, उसको अपलोड कर दो, काम खत्म। लोग दुनिया अपना जनता देखती रहेगी। तो स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए तो हम लोग यूज कर लेते हैं HTML। और तुम बोलोगे सर डायनामिक वेबसाइट कैसे बनाएंगे। डायनामिक का मतलब होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, जहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारी सर्विसेज भी होंगी। इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारा वहाँ पे सर्विसेज भी होगा। अब सर्विसेज का मतलब आप लॉग इन कर रहे हो भाई, सर्विसेज का मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, सर्विसेज का मतलब आप कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, सर्विसेज का मतलब आप कुछ फीडबैक दे रहे हो। आप जरा गौर से देखो, चाहे मैं लॉग इन कर रहा हूँ या रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ या ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ या कोई फीडबैक दे रहा हूँ या मान लो मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चाहिए जो पीछे काम कर रहा होगा। तो कहने का मतलब यदि हमें डायनामिक वेबसाइट बनाना है तो डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब HTML के अंदर ये काम तो होगा नहीं, HTML में बटन है, तुम बटन ही तो बना सकते हो HTML में। अब बटन के क्लिक पे कोई कोड थोड़ी कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर बटन के क्लिक पे हम जावास्क्रिप्ट लगा देंगे, ठीक है जावास्क्रिप्ट तो लगा दोगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट सर्वर से इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब जब हम HTML यूज करते हैं, HTML के साथ साथ हम कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को यूज कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या कि भाई इंफॉर्मेशन तो है ही, साथ के साथ आप ये सारा काम भी कर सकते हो। अब जैसे आप जितने भी वेबसाइट जानते हो, फ्लिपकार्ट है, आपका जीमेल है, आपका रेडिफ है, आपका अमेजन है, जितने भी वेबसाइट आप जानते हो ये सारे डायनामिक वेबसाइट हैं। डायनामिक क्यों है, क्योंकि ये केवल इंफॉर्मेशन ही शो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ सर्विसेज भी चाहिए, तो उस तरह की वेबसाइट यदि हमें बनाना हो तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। तो जब कभी भी आपको डायनामिक वेबसाइट बनाना हो तो डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, HTML तो देखो कोर है, HTML का यूज़ करके तुम ये वाला काम कर लोगे। लेकिन यदि ये काम करना हो तो भाई डिजाइन तो आपने HTML में बना लिया, लेकिन उसके पीछे कोडिंग कौन करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। समझ में आई बात। तो यदि आपसे कोई बोले कि भाई PHP का यूज़ क्या है, तो आप बोलोगे नंबर 1 इट्स बेसिकली फॉर द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, या इट्स बेसिकली सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। और आप बोल सकते हो भाई जब हमें डायनामिक वेबसाइट बनाना है तो हमें उस समय किसी न किसी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, तो फॉर दैट पर्पस हम क्या यूज़ कर सकते हैं, PHP वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आई बात। यदि आपसे कोई ये बोलता है कि भाई मेरे जैसा टीचर यदि मिला तो मैं अक्सर बच्चों से मैं मजे लेता हूँ इंटरव्यूज वगैरह में ना, तो अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ, अच्छा यार एक बात बताओ तुम्हें PHP आती है, तो यस सर आती है। अच्छा एक बात बताओ तुम्हें PHP तो आती है, HTML का यूज़ करके हम क्या करते हैं वेबसाइट बनाते हैं जी। तो भाई एक बात बता, जब HTML से वेबसाइट बन ही सकती है तो PHP की जरूरत क्या है, या ASP की जरूरत क्या है, या ASP.NET या JSP की जरूरत क्या है। तो सामने बोलता वाला बोलता है जी सिक्योर बनाने के लिए। याद रखना सिक्योर तक्योर तो वो कहने की बातें हैं, हाँ ठीक है भाई सर्वर के ऊपर हमारे पेजेस होंगे तो वो सिक्योर होंगे, अच्छी बात है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब कभी भी हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग करनी है जहाँ पे डेटाबेस हमारा इन्वॉल्व होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और फिर हम उस तरीके से काम करते हैं। समझ में आई बात जी। ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये हमारा वेबसाइट है, ये वेबसाइट है santoshazael.blogspot.com। अब देखो ये .NET मैंने लिया था पिछले सेशन में, तो .NET की जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ हैं जो मैंने लिया था, और उसके जो पूरे नोट्स हैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि कई बार होता है ना हम जीमेल पे मिस कर जाते हैं, कहाँ गया नहीं गया, आपको कुछ नहीं करना। आप मेरे वेबसाइट पे आएँ, आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो पिछले क्लास में मैंने .NET के सेशंस लिए थे। ये देखो वो सारा वीडियो जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको इस तरह से आज जैसे मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं आपके मतलब की भी है, इसको एक्सप्लोर करके देखना। अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने ओरेकल वगैरह का डाल रखे हैं वीडियोज़, ये देखो
ये सब मैंने अपलोड किए थे अप्रैल में, मैंने 8 वीडियोस डाले थे। ये देखो रेफ कर्सर, पूरी डिटेल है रेफ कर्सर के बारे में, आप यहाँ पे आओगे पीएल सिक्वल फंक्शंस, ये देखो फंक्शंस को लेके पूरा डिटेल है यहाँ पे, ये देखो कैसे बनाते हैं कैसे यूज़ करते हैं, ये देखो ज्वाइंस इन ओरेकल, अब यहाँ पे ज्वाइन वगैरह सारा चीज़ है, ये देखो इस तरह से यहाँ पे ओरेकल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यदि यहाँ पे आओगे तो इसको याद रखना santoshrizai.blogspot.com। तो आज मैं क्या करूँगा, जैसे तुम्हें बताऊँगा तो आपको ये मेल तो कर ही दूंगा, मेल के साथ साथ ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स एज इट इज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो कभी यदि आप भूल भी जाते हो तो अपना यहाँ पे आके अपना सर्च कर लो कि सर ने कब डाला था क्या डाला था, यहाँ पे आके तुम सर्च कर लो अपना, उसको उस पर क्लिक करो। ये रहा जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था ना जावास्क्रिप्ट, ये देखो सर आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना। हाँ मैं आपको बता दूंगा, ये हमारा लिंक है santoshrizai.blogspot.com, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट है मैंने बना रखी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वेबसाइट पे जाके ना आप यहाँ पे सारा काम कर सकते हो, ठीक है santoshrizai.blogspot.com। हाँ सर एक बात और पूछनी है, जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, सपोज मैं ही बनाता हूँ, उसे होस्ट कराता हूँ सर्वर पे, तो हाँ सर्वर उसका मंथली या ईयरली चार्ज तो कुछ वो सब करेगा मैं कि उनकी आपको सर्विस? वो मैं बता दूंगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो मैं आपको एक वेबसाइट होस्ट करके दिखा दूंगा और सारा चीज मैं आपको बता दूंगा कि वो वेबसाइट हम होस्ट करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने बताया कि ये सारे नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, मेरे कहने का मतलब कि अब आइए इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली इंट्रोडक्टरी की, अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ पीएचपी के। तो पीएचपी पे हमें करना क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ों को आप समझ लें। पीएचपी में जब भी हमें काम करना है ना, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि भाई पीएचपी का मतलब होता है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट, और ये जो हमारा पीएचपी है, इस पीएचपी को बनाने वाले भाई साहब का नाम जानते हो कौन से थे? इसको बनाने वाले जो भाई साहब हैं, रैस्मस लाड्रफ, इसको बनाने वाले भाई साहब ये हैं, और इन्होंने इसे कब बनाई थी पता है? 1995 बना दिया था इन्होंने भाई साहब ने। शुरुआत में लोग इसको बोलते थे पर्सनल होम पेज, बाद में इसको रीनेम किया गया प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट के नाम से, ठीक। अब देखो यहाँ पे यदि मुझे पीएचपी के बारे में डिटेल पता करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ php.net, ये हमारा वेबसाइट है, और यहाँ पे आप आके ना पीएचपी के बारे में पूरी जन्मकुंडली आपको मिल जाएगी। अब पीएचपी का जो हमारा लेटेस्ट रिलीज है वो 7.4.4 है, ठीक। इससे पहले हमारा ये था, तो पीएचपी कब आया क्या आया आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। php.net करके वेबसाइट है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे अवेलेबल हैं, ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। अब आपको PHP 4 का मैनुअल देखना है, आप यहाँ पे PHP 3 का मैनुअल देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे, तो आपको ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई हमारा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो php.net पे जाने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये php.net है, php.net में ये देखो php के ये अलग अलग वर्जन्स हैं, सारी चीज़ें हैं। अब देखो पहली बात तो ये है कि भाई हमारा ये php.net है जहाँ पे हमें php के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और ये हमें पता करना हो कि कौन सा वर्जन चल रहा है क्या चल रहा है। अब हम इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जब कभी भी हमें php में काम करना है, यदि हमें php को लेके काम करना है, तो php में काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेब सर्वर, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वेब सर्वर चाहिए, हमें वेब सर्वर होगा तभी हम काम करेंगे। और केवल वेब सर्वर ही नहीं चाहिए, वेब सर्वर के साथ साथ हमें यहाँ पे MySQL भी चाहिए, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हमें चाहिए होता है जब हम, चूँकि डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो PHP हैविंग द बेस्ट कंपैटिबिलिटी विद द MySQL, तो हमें यहाँ पे MySQL वगैरह भी चाहिए। अब PHP के कुछ पॉपुलर वेब सर्वर हैं, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर वेब सर्वर की, तो PHP में कुछ पॉपुलर वेब सर्वर हैं यहाँ पर। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर नाम सुना होगा वैम्प का, जैसे कुछ लोग बोलते होंगे वैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा है हमारा, तो ये जो हमारा वैम्प होता है, वैम्प का मतलब होता है विंडोज़ अपाची
MySQL PHP, इसका मतलब ये होता है। तो आप अपने सिस्टम में वैम्प इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे जैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो हमारा जैम्प होता है, जैम्प का फुल फॉर्म होता है, ये बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाची MySQL PHP पर ये विंडोज़ और लिनक्स दोनों के लिए होता है। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको लिनक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, तो ये हमारा जैम्प होता है। जैम्प बेसिकली ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। इसका भी मतलब यही होता है, अपाची MySQL PHP पर्ल, यहाँ पे पी का मतलब पर्ल है, इसका मतलब वही है, इसका मतलब है यहाँ पे ये एक्स मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म और इसका मतलब होता है अपाची MySQL PHP और इसका मतलब होता है यहाँ पर पर्ल। ये इसका फुल फॉर्म है, पता होना चाहिए। मैं वैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो फुल फॉर्म क्या है, जैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो फुल फॉर्म क्या है। तो इसके अलग अलग ये हैं, एक होता है लैम्प, यदि आप केवल लिनक्स में काम करना चाह रहे हो तो हमारे पास एक होता है लैम्प। लैम्प का फुल फॉर्म होता है लिनक्स अपाची MySQL PHP, लिनक्स अपाची MySQL PHP, ये होता है हमारा, ठीक। अब तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना होगा तभी हमारा वो काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग जैम्प इंस्टॉल कर लेंगे। जैम्प के साथ अच्छी कंपेटेबिलिटी होती है, सभी पे रन करता है और काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो पहली चीज़ जो हमें इंस्टॉल करना है वो क्या इंस्टॉल करना है, हमें जैम्प इंस्टॉल करना है। अब देखो, जैम्प तो आपने इंस्टॉल करा, PHP का जो कोड है उस कोड को तुम नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपना नोटपैड में कोड लिखो, काम करेगा। लेकिन हम लोग नोटपैड में कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक होता है विजुअल स्टूडियो कोर, यहाँ पे एक होता है विजुअल, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये एडिटर है बेसिकली और बेहतरीन एडिटर है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाएं, ये देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाएं, ये देखो अब ये बोलता है विजुअल स्टूडियो कोड, आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे डाउनलोड करें, तो आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ये एक अच्छा एडिटर है, हमेशा आप नोटपैड में लिख रहे हो कोई मतलब नहीं है, आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लें, डाउनलोड फॉर विंडोज, आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए आ जाएगा। तो आज आपको दो काम करना है, पहला काम क्या करना है, एक तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, तो अभी मैं फिलहाल डाउनलोड नहीं करूँगा, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, आपको अभी एक डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड के अलावा दूसरी चीज़ जो आपको डाउनलोड करनी है वो आपको डाउनलोड करना है जैम्प, आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है जैम्प। तो आप यहाँ पर जैम्प को कैसे डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर लेता हूँ जैम्प डाउनलोड, मैं आप बोलता हूँ जैम्प, जैसे मैं यहाँ पर जैम्प बोलूँगा तो सबसे पहले हमारा URL यहाँ पर खुल के आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर हमारा आ गया, ये जैम्प डाउनलोड, आप यहाँ पर जैम्प डाउनलोड पर आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद आप जैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैम्प बेसिकली एक सर्वर है जो कि आपको मिल जाएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें ये आपको लेके दे देता है, ठीक। तो हम यहाँ पर जैम्प पर आते हैं और यहाँ पर हम उसे, ये देखो ये हमारा ये अलग अलग विंडो है कि कैसा रहेगा ये, तो हम यहाँ पर जैम्प में आकर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, हमें जैम्प को डाउनलोड करना है, और जैम्प को डाउनलोड करने के अलावा हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कोड को। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पर भी आते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, और हम जैम्प पे आते हैं उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें ये बता रहा है, डाउनलोड नॉट स्टार्टिंग ट्राई दिस, या तो ये विजुअल स्टूडियो कोड का डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो गया और ये हमारा जैम्प वाइस आप चल रहे हैं, ये भी आ जाएंगे, ये भी स्टार्ट हो गए। तो ये दोनों चीज़ें हमें डाउनलोड करनी है और इसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, अब तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को यहाँ पे जैम्प और ये विजुअल स्टूडियो कोड दोनों डाउनलोड कर लेने अपने सिस्टम पे और इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, दिक्कत आएगी तो छोड़ देना, फिर मैं जब कल आपकी क्लास फिर लूँगा इसी टाइम में, तो जब मैं कल आपकी सेशन लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है और होता क्या है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये नोट्स भेज रहा हूँ, हाँ जी, जैम्प तो मेरे पास है। नहीं ठीक है, तो अच्छी बात है, मत डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है सर, जैम्प तो मेरे पास है, वही चल जाएगा। हाँ तो बस ठीक है, और क्या, बार बार थोड़ी डाउनलोड करने की जरूरत है। तो जैम्प ऑलरेडी आपके पास है, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल जब मैं सेशन लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, इधर देखो मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर PHP 1 के नाम से। तो ये फाइल आपके पास अवेलेबल होगी,
PHP 1 के नाम से। तो भाई फर्स्ट सेशन है हमारा, और मैं एक काम करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको, ये तो हमारा डाउनलोड हो रहा है, होने दो, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ जो हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट में, यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट मार लेना सीधा सीधा, कहीं कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर बोलता हूँ न्यू पोस्ट, अब मैं यहाँ पर आपका पोस्ट डाल देता हूँ तो आपके लिए, और यहाँ पर आपको थोड़ी देर में वीडियो भी मिल जाएगी, जो आज हमने पढ़ा है, जो चीज़ों को हमने समझा है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई हमें क्या करना है। तो ये हमारा PHP, मैं बोल देता हूँ बेसिक्स, भाई आपको पता होना चाहिए PHP करता क्या है, इसका बेसिक्स क्या है। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये जो हमारा नोट्स है जो हमने अभी सेव किया था, ये हमारा यहाँ पे अवेलेबल था। मैं इसको उठा के सेव कर देता हूँ वहाँ पे। ये यहाँ पे अवेलेबल है, कभी भी तुम पढ़ना चाहो इस वेबसाइट में जाओ, अपना पढ़ लो। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। हो गया, ये देखो आ गया ना PHP बेसिक्स। अब आप कभी भी जाएं, आज का डेट आपको याद रखना, यहाँ पे जाएं आपको मिल जाएगा। तो जब कभी भी तुम यहाँ पे ब्लॉग ब्लॉग मैं यदि इस पे जाऊँ, मैं अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाऊँ संतोष सजाइल, ये देखो जो लेटेस्ट वाला होता है वो पहले दिख रहा होता है, ये देखो आ गया, अभी आ गया ना, थर्सडे को ही है। तो आप कभी भी जाओ अपना वेबसाइट को ओपन करो, जीमेल नहीं खुल रहा है यहाँ से खोलो, अपना यहाँ पर पढ़ के